सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर वो तय शुदा समय से 45 मिनट लेट से पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचकर वहां से संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां का जायजा लिया, साथ ही कोविड टीकाकरण का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडल में हुए कोविड प्रबंधन कार्य की सराहना की। अन्य उत्सव को भव्यता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए, साथ ही विकास कार्यों, कानून व्यवस्था व कोविड प्रबंधन की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और गोंडा के अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, जहाँ पर जनता से वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की। इस दौरान वैक्सीनेशन में लगे हुए स्वास्थ्यकर्मियों से उन्होंने बातचीत भी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही परिवारों के साथ आए हुए बच्चों को प्यार कर आशीर्वाद भी दिया। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय का यह पूरा मामला है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान मंत्री समाज कल्याण विभाग रमापत शास्त्री, राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति प्रभारी मंत्री रणवीर प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा, विधायक रामफेर पांडे, जिलाधिकारी टी के सिबू, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी आदि लोग पहुंचे। करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स से, राज्य सरकार ने भी अपने अपने मदों से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। कोरोना का वैक्सीन दिया गया है या हमको कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है और कोरोना के 26 मार्च से टेस्ट अकेले देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। योजनाओं की समीक्षा के साथ ही संगठन की गतिविधियों के बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर विस्तार से अपनी समीक्षा दी है। कमिश्नरी के अंदर चारों जनपदों में कोरोना प्रबंधन का कार्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के स्थानीय प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा परिणाम दिया है, जिसमें कोरोना पूरी तरह लगभग नियंत्रण सा है। श्रावस्ती जनपद में तो आज के दिन पर एक भी एक्टिव केस नहीं है। शेष अन्य जनपदों में जो इक्के दुक्के केस बचे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई अगर इसी प्रकार से चलती रहेगी तो कोरोना अगले कुछ दिनों के अंदर यहाँ से पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। आज मुझे प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5,07,00,000 लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चला है, जिसमें अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। इस कमिश्नरी में अब तक 28,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है और कोरोना के 26,00,000 से अधिक टेस्ट अकेले देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। कोरोना की प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान हम लोगों ने कुछ चीजें देखी कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस कुछ जगह देखने को मिली थी और इसको नियंत्रित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स से, राज्य सरकार ने भी अपने अपने मदों से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। अब तक
13 प्लांट इस कमिश्नरी में लग चुके हैं, 9 निर्माणाधीन है, यानी कुल 22 ऑक्सीजन प्लांट अकेले देवपाटन कमिश्नरी के अंदर लग रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 552 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं और इनमें भी 275 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग चुके हैं। प्रदेश के अंदर कोरोना को प्रभावी नियंत्रण के बाद विकास की गतिविधियों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, इसको ध्यान में रखकर के हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को विगत वर्ष भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक और इस वर्ष भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था। 5 अगस्त को इस बार एक विशेष इवेंट इसको बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 80,000 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हमारी दुकानें हैं। इन दुकानों को तकनीक से आच्छादित किया गया है, ई पॉस मशीन लगाई गई है, आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे इस पर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। लेकिन प्रत्येक गरीब को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है कि सभी 80,000 शॉप्स में उस दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक बड़े आयोजन के रूप में इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें, इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी के लिए शासन ने भी और जनप्रतिनिधियों ने भी बैग्स, अच्छे टिकाऊ बैग जिनमें वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन खाद्यान्न ले जा सके इसकी व्यवस्था की गई है और अकेले देवपाटन कमिश्नरी में 3,993 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। इन सभी 3,993 फेयर प्राइस शॉप में हर एक के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर एक जगह एक इवेंट होना है, उस दिन आने वाले हर लाभार्थी को एक एक बैग भी उपलब्ध करवाया जाना है, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। प्रदेश के अंदर विशेष तैयारी की गई है और इसमें सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन एक साथ प्रदेश के अंदर 80,00,000 से 1,00,00,000 लाभार्थियों को प्राप्त होगा। एक बड़ा इवेंट होगा और इस बड़े इवेंट की दृष्टि भी यहाँ पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों की वहाँ पर उपस्थिति रहेगी, अलग अलग स्थानों पर उपस्थिति रहेगी। ये बड़े आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। आज इसी की समीक्षा के लिए मैं स्वयं इस कमिश्नरी के दौरे पर आया था। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर सभी लोग मिल करके शासन की योजनाओं को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने और शासन की योजनाओं का लाभ गाँव गरीब किसान को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी बेहतर हुई है। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में अगर हम विगत 4 वर्षों के दौरान देखें तो इसने प्रदेश की कानून व्यवस्था में देश के सामने, दुनिया के सामने एक नज़ीर प्रस्तुत की है। यह दबाव और यह निरंतर प्रयास हमारा है कि प्रशासन को भी, पुलिस को भी आम जन के प्रति संवेदनशील होना होगा। अपराध, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के प्रति जरूर टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की सरकार की जो मंशा है वह हमारी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।